एक हफ्ता हो गया लगभग मैं कोई व्लॉग नहीं डाला। सब बोल रहे थे भाई कहाँ गए वो कहाँ गए वो। मैंने तो पूरा सोचा था कि व्लॉग करूंगा तो सीधा बाइक रिवील का ही करूंगा। तो भाई अभी यहाँ पे इसके अंदर अपनी बाइक लगी हुई है। फाइनली गाइस अभी हमारी बाइक रिवील होने वाली है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगेगी। जी भैया इसका पर्दा उठाएंगे और पर्दे के नीचे आपको हम बाइक दिखाएंगे। हेलो गाइस वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई पता है मेरे को बड़े लोग यही बोल रहे होंगे कि इतने दिनों से कहाँ गए थे, लगभग एक हफ्ता हो गया मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। बड़े लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था, डीएम्स भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, कहते भाई कहाँ गए हो, ना आप अंकु औरों के साथ चंडीगढ़ गए, ना आप व्लॉग डाल रहे हो कुछ, कहाँ गए हो। एक हफ्ता हो गया लगभग मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। सब बोल रहे थे भाई कहाँ गए हो कहाँ गए हो। तो भाई असल में ना भाई मेरे ना एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी ख़त्म नहीं हुए, तो मैं इसलिए चंडीगढ़ नहीं जा पाया। एग्ज़ाम्स की वजह से मैं चंडीगढ़ नहीं जा पाया। और रही बात व्लॉग्स की, तो व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई मैं अपनी ड्यूक को ना मॉडिफाई करा रहा था। तो अभी पहले पेट्रोल फिल कराते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं आपसे। तो गाइस अभी पेट्रोल फिल हो गया है। तो भाई अभी एम हुंडई के पास अंकु और शक्कर भी वेट कर रहे हैं, अभी वहाँ चलते हैं फिर आपसे बाकी बातें करेंगे। तो गाइस अभी आप आगे देख सकते हो अंकु और शक्कर दोनों आ गए हैं। बड़े लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि भाई आप इनके साथ चंडीगढ़ क्यों नहीं गए। तो भाई उसके दो रीज़न थे। पहला, इनका अचानक ही प्लान बना, इनको कुछ काम था इसलिए ये चंडीगढ़ गए थे। मैंने भी जाना था बट मेन दिनों पेपर थे, अभी मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुए, अभी और हैं आगे। बड़े लोग ये भी पूछ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे आपके। पहले दो तीन दिन मेरे पेपर थे, पेपर ख़त्म के बाद भाई मैंने आपको बोला था कि भाई ड्यूक के पार्ट्स आ रहे हैं, तो जो ही वो आएंगे मैं पूरी बाइक मॉडिफाई करूंगा। और ड्यूक के पार्ट मेरे को परसों मिले थे। आपको मैंने ये भी बोला था कि अगर मेरे को उनका कलर चेंज कराना होगा जो उस भाई ने किया था, अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तब आपको पार्ट्स दिखा दूंगा। बट भाई जो मान लो जो कलर मैं चाहता था वो तो नहीं हुआ, जो कलर उन भाई ने किया था ना वो भी उतना बुरा नहीं था, वो भी काफ़ी अच्छा था। जब मैंने वो सामने पार्ट देखे तो मेरे को वो अच्छे लगे कि भाई मैंने उनका कलर जो है वो चेंज नहीं किया, मैंने सोचा वैसे ही रखता हूँ। चैसी मैंने पूरे पेंट कर दिए, अलॉयज पैंट टैंक सब कुछ पेंट कर दिया है। मेरे को ड्यूक के रिलेटेड ही काम था, तो अभी भैया वहीं पर हैं, वो बाकी ड्यूक का काम करा रहे हैं, अभी उसका अलॉयज वगैरह फिट हो रहे हैं, मतलब लगभग मैं बोलता हूँ सब पार्ट्स वगैरह हो गए हैं। मैंने तो पूरा सोचा था कि अब व्लॉग करूंगा तो सीधा बाइक रिवील का ही करूंगा, बट अब देखते हैं क्या सीन रहेगा। अभी पहले सिटी चलते हैं, वहाँ पे जो काम है वो ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं। अगर हो गई आज बाइक रिवील तो आज ही करेंगे। जो कलर उन भाई ने किया था ना, पहले तो मुझे मतलब जब उनने मेरे को वीडियो भेजी थी तब तो मुझे वो कलर उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि वीडियो में कुछ अलग ही, उनने नज़दीक से कैमरा रखा था और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था। बट भाई जब मैंने वो पार्ट सामने देखे ना, आपको पता है हाइड्रोग्राफिक्स, तो भाई कोई सा भी कलर हो उस पर अच्छे लगते ही लगते हैं, चाहे कोई भी कलर हो, हाइड्रोग्राफिक्स एक नंबर लगते हैं भाई। जो भाई जो कलर उन भाई ने किया था और जिस तरीके से किया था वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैंने सामने देखे। और आपको जब मैं दिखाऊंगा ना भाई बाइक पे जो वो लग रहे हैं ना भाई एक नंबर भाई। मेरे को जो दुख था ना कि भाई जो पैंट मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, बट जब मैंने ये वाले देखे मेरे को ये भी बहुत अच्छे लगे। तो अब देखते हैं आप लोगों को कैसे पसंद आएंगे। आपको तो मैं बोलता हूँ 100% पसंद आएंगे, अगर नहीं आए तो फिर करा लेंगे चेंज और क्या कर सकते हैं, बट मैं बोलता हूँ 100% वो आपको भी पसंद आएंगे, बहुत सही है। अगर बाइक कंप्लीट होगी तो शाम को तो मैं दिखा दूंगा, और साथ में अगर होगी होगी तो आप अगर इस व्लॉग में आएगी तो आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही जाएगा। अभी चलते हैं यहाँ से घुमट, जो अपना काम है वो कंप्लीट करते हैं। अंकु को वहाँ पे कुछ कराना है अपनी आरआर में, और साथ में मेरे को ड्यूक के लिए कुछ सामान लेना है। A few moments later. भाई जब आप देख सकते हो एक आंख इन्होंने बंद कर दी है, इसको जैक स्पैरो बना दिया है। देखो ये वाली पूरी ब्लैक कर दी है, ये नॉर्मल रखी है। ऐसे रात में थोड़ा कम ही दिखेगा पर इसकी लाइट काफ़ी अच्छी है, उसका थ्रो काफ़ी अच्छा है। अभी निकलते हैं यहाँ से, मैंने बाइक नीचे लगाई है। परसों यहाँ पे एक सीन हुआ था, बताता हूँ उसके बारे में भी आपको। बट यहाँ घुमट में एक सीन हुआ था हल्का सा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने गलत किया, फिर लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने गलत किया, जो ट्रैफिक वाले सर के साथ हुआ था हल्की सी टच हो गई थी। मतलब मैंने जानबूझकर वो किया भी नहीं, मुझे लगा कि ट्रैफिक वाले सर जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे हाथ दिया, मुझे लगा वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो रुक गए बीच में, मैंने पूरी स्लो कर दी, फिर मैंने राइट के लिए लिया, मुझे लगा वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो फ़ोन पर भी बात कर रहे थे, तो वो अचानक आगे आगे हल्की सी टच हो गई सर के साथ। तो मैंने तो भाई व्लॉग में डाला भी नहीं था, वो हमको ने डाल दिया, पर चलो मैं उसको बोलना भूल गया था कि नहीं डालना। फिर लोग बोल रहे थे कि भाई आपने गलत किया होए, तो भाई ये बात तो सही है, गलत तो था वो, बट भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे लगा था कि सर जो है वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो अचानक ही सर आगे आगे तो हल्की सी टच होगी, क्या बोल भी जा सकते हैं, जो हो गया सो हो गया, एंड पे यही बोल सकते हैं। अगर सर अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो सॉरी, वैसे मैं जानबूझ के नहीं किया था, मेरे को लगा आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो हल्की सी टच होगी, तो फिर भी एक बार और सॉरी बोल देता हूँ भाई, और हम क्या और अब क्या कर सकते हैं। वीडियो तो वैसे भी मैंने डाली नहीं थी, वो अंकु ने डाली, मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने अंकु के पास भी क्लिप है, तो मैं इसको बोलना ही भूल गया, पर चलो जो हो गया सो हो गया। अभी चलते हैं हम यहाँ से सिटी, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो आज काफ़ी टाइम लग जाएगा यार,
इस हिसाब से यहाँ घूमने में भी टाइम लग गया, अभी सिटी भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो गाइस अभी हम सिटी में आ गए हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी वो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और रश आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा है। A few moments later. साहिल भाई क्या हाल है? नहीं ली? नहीं यार, झूठ बोल रहे हो यार। किसकी लाई है? किसकी लाई है? किसी के नाम के लाई है यार। नहीं यार, अभी साहिल भाई यहाँ पे मिल गए और इन्होंने RR लाई हुई है आज, रेड कलर की। वो भी पहले बोल रहे नहीं मेरी है, बोल रहे हैं किसी की लाई हुई है। गाइस अभी साहिल भाई बोल रहे हैं ये इन्होंने ही ली है। क्यों झूठ बोलते हो? फैब्रिक लेना आपने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। और दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली है, मुझे लग रहा है किसी की लाई हुई है। अभी ये सिर्फ 58 किलोमीटर चली है भाई, सिर्फ 58, और कोई मोड भी नहीं खुला है, बिल्कुल फ्रेश ली है। अब दो दो RR होगी भाई, देखो उसने तो जैक स्पैरो बनाई हुई है, इनकी बिल्कुल नई है, मिरर तक लगे हुए हैं। साहिल भाई हमको सरप्राइज देंगे, इन्होंने हमें बताया भी नहीं, बोलते हैं मैंने डिलीवरी को कोई व्लॉग खुद भी नहीं बनाया। अभी ये पहला व्लॉग है उनका भी इस बाइक पे, और हम भी पहली बार देख रहे हैं भाई इन्होंने RR ले लिया। अभी अभी निकल रहे हैं नेस्कैफे से, अभी बाइक भी दिखानी है आपको ड्यूक, और देख वरना तब तक अंधेरा हो जाएगा। अभी निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, और भाई अभी यहाँ से जाते ही आपको ड्यूक बताने वाला हूँ कैसी बनी हुई है। तो भाई बाइक ना एक नंबर बनी है, बस आपको दिखाने की देरी है। और अभी थोड़ी जल्दी इसलिए क्योंकि भाई बाद में ना फिर अंधेरा हो जाएगा, अभी रिवील करनी है। बाकी मेरे को सारे बोल रहे थे कि कल रिवील करेंगे, मैं नहीं भाई, इतने दिन लगे हैं उसको बनाने में, तो आज ही रिवील करनी है। अभी लगभग कंप्लीट हो गई है, मैंने उसकी हेडलाइट वगैरह दी थी, उस पर थोड़ा DRL पे काम हो रहा था, तो उसी में टाइम लग रहा था। तो अभी उनका फ़ोन आ गया कि वो भी हो गया कंप्लीट। भाई आज इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना, क्योंकि राइडिंग जैकेट नहीं ना पहना है भाई, हवा सारी बज रही है आज बड़े टाइम बाद, मतलब हमें अब आदत सी हो गई है राइडिंग जैकेट की, पहले हमें आदत नहीं थी पर अब हो गई है, तो अब दिन राइडिंग जैकेट के बगैर चलने अभी नहीं बनता है। और अभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं भाई, अब सारे के सारे सब भाई इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना बाइक को देखने के लिए। व्यू तो भाई मैंने अलग ही बना दी हुई है, आपको दिखाऊंगा आप खुद बोलोगे भाई क्या बनाई हुई है। सुबह अभी हम नहीं, सिर्फ मैं नरवाल पहुँचा हूँ, मैं इतनी तेज आया, बाकी सब पता नहीं कहाँ रह गए, अभी उनका वेट करेंगे आगे, वैसे भी सिग्नल लगा हुआ है। तो गाइस अभी मैं बाइक के पास तो पहुँचने वाला हूँ, पर वो सारे पता नहीं कहाँ पीछे रह गए, तो उनको पता है बाइक कहाँ पर है, वो सीधा वहीं पे आ जाएंगे। अभी मैं भी जल्दी जल्दी चलता हूँ, अभी हम सीधा बाइक के पास चलते हैं और फिर आपको बाइक दिखाएंगे। हमने से तो थोड़ा बहुत आपको गैस हो गया होगा कि कैसी दिख रही है बाइक, बट अभी आपको प्रॉपर तरीके से दिखने वाली है। तो गाइस अभी यहाँ पे इसके अंदर अपनी बाइक लगी हुई है, वैसे सारा अभी काम तो हुआ नहीं था, तो ये बहुत रैप वगैरह करने थे, तो बट आज मैंने आपको बोला था कि आज ही रिवील करनी है, इसलिए मैं आपको दिखा दूंगा कैसी जैसी है, तो बाकी कल देखेंगे। सो फाइनली गाइस अभी हमारी बाइक रिवील होने वाली है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लगेगी। अभी भैया उठाएंगे क्योंकि मेरे को व्लॉग करना था, तो अभी भैया इसका पर्दा उठाएंगे और पर्दे के नीचे आपको हम बाइक दिखाएंगे। वैसे बाकी जो रैप है वो सारा कल होगा, अभी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ हम बाइक दिखाएंगे। और आपको आगे थोड़ा देखो, लाइट्स देख रहे हो, तो अभी एक सरप्राइज़ है, ये चीज़ मैंने कुछ अलग ही करवाई हुई है, अभी आपको थोड़ी बहुत लाइट्स दिख रही होगी, वो देखो। तो समझ जाओ भाई क्या कराया हुआ है बाइक पे। 3 सिर्फ फ्रंट देखो, पहले फ्रंट देखो भाई क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो साइड भाई, ये वाली साइड देखो भाई। अभी देखो रैप वगैरह कुछ नहीं हुआ, स्टिकर्स वगैरह करने थे वो तो हुए नहीं, वो हम कल कराएंगे। अभी आप देख सकते हो बाहर रात कितनी ज़्यादा हो गई है, और सारे बंदे यहाँ पे, वैसे मैं सबको बुला नहीं पाया, जितने आए हैं वो सब यहाँ पर हैं। तो अभी कल मैं बाकी रैप वगैरह करा दूंगा, अभी इतनी ही है फिलहाल, बाहर रात हो गई है तो राइड भी नहीं मार पाएंगे आज इस पर, तो सब कल होगा। रैप वगैरह भी मैं कल कर दूंगा, पूरी कल दिखा दूंगा। बस ये चेक करो भाई, ये क्या लग रही है भाई, ये एकदम डेंजर लग रही है भाई, ये चीज़ तो किसी ने नहीं कराई है। अभी जो स्टिकर्स वगैरह डालने थे ना वो नहीं हुए हैं, क्योंकि आप बाहर देख सकते हो अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया, तो हमने सोचा आज मैंने बोला ही था आज रिवील करनी है, तो मैंने सोचा आधी कर देते हैं, बाकी जो स्टिकर्स वगैरह डालने हैं वो कल डाल देंगे, और बाकी पूरी बाइक हम कल कर दिखाएंगे। A few moments later. So guys, अभी आप देख सकते हो बाइक अपनी बाहर आ गई है, वैसे जो स्टिकर्स हैं ना छोटे मोटे वो हम कल कराएंगे, और कल मैं पूरा बताऊँगा आपको बाइक में क्या क्या हुआ है। तो हमने जो लगभग जो इसके हाइड्रोग्राफिक्स वगैरह हुए हैं वो सारे यहाँ से हुए हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन वैसे ये जो है ना सारा गाड़ी का काम करते हैं, पर हमने यहाँ से बाइक भी कराई है,
तो पहली बाइक होगी मेरे ख्याल से। तो लगभग सब कुछ इन्होंने ही करवाया, बड़ी हेल्प की यार इन्होंने, आगे से DRLs वगैरह सब इन्होंने कराया। और पर अभी देखो अभी शाम के वक्त क्या लग रही है भाई, एकदम मॉन्स्टर लग रही है भाई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। फाइनली गाइस अभी हमने अपनी बाइक बाहर निकाल रही है ऑन रोड, तो भाई एकदम जहर लग रही है। अभी आप लोगों को कुछ मिस दिख रहा होगा यहाँ पे, मिसिंग है वो ये है रईस मलिक का लोगो, तो वो भाई मैंने निकाल दिया था, मैंने दोबारा लिखाना था, पर मैंने बोला आपको कि भाई आज ना भाई पूरे दिन हम इसी के पीछे लगे हुए थे, 3 दिन से मैं लगा हूँ तो कुछ हो ही नहीं पाया। स्टिकर्स वगैरह रह गए थे तो ये भी उसी के बीच में था, पर मैंने अभी सबको भी लेट हो गया था तो मैंने सोचा यार अब सबको बुला ही लिया है तो ऐसे ही रिवील कर देते हैं, तो बाकी सब कल करा लेंगे स्टिकर्स वगैरह जो बाकी बचे हैं। तो भाई अभी सारी बाइक यहाँ पे लगी हुई है, साहिल भाई की भी RR एकदम न्यू है, तो अपनी बाइक भी एकदम न्यू लग रही है, कल अंकू भी अपनी RC ले आएगा। भाई आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।